शामिल हो गए, सब प्रिपरेशन हो गई। तो ऑडिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है आपने कहीं फोटो भेजे और आपका कहीं शॉर्टलिस्ट हो गया वीडियो लिंक्स के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, तो फिर आपको ऑडिशन के लिए कॉल आए अगर आपके। और ऑडिशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर तरीका है, और वो फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। और ऑडिशन में जाने से पहले ना एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर जैसे कोई पर्सनली कॉल करता है प्रोडक्शन हाउस से शॉर्टलिस्ट करके कॉल करेगा, तो वो आपको क्या बोलेगा कि सर आपका मेल हमारे पास आया है, आपके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास और ये कैरेक्टर के लिए आप फिट बैठ रहे हो, तो आप आके ऑडिशन दे दो, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ जाके पर्सनली मिलो, ऑडिशन दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैसेजेस आते हैं, सपोज जब आप मेल करोगे 500 जगह, जब मेल आपका जाएगा फोटो जाएंगे, तो बहुत से लोग क्या है अपने डेटाबेस में डाल लेते हैं नंबर, कहीं इधर उधर फिर सर्कुलेट होना चालू होगा और कई ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे, फिर मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे। तो कहीं भी ऑडिशन में जाने से पहले वो मैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि ठीक है आपने देखा यहाँ ऑडिशन है और मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, और वहाँ गए और स्टूडियो के बाहर आप बंदा आएगा निकल के, वो आपको देखेगा ऊपर से नीचे तक, नॉट फिट। फिर आना जाना हुआ ना अजय तुम्हारे साथ, ऐसा कैसे हुआ था? मैं ऑडिशन रूम में ऐसे एंटर किया ना, तो मेरे को बोला कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐड है वहाँ से, आप फिट नहीं होते, हमको 6 फीट का बनना चाहिए, हमारा हाइट 5'7" है एंड प्लस एकदम स्लिम हो, तो फिर बॉडी बिल्डर चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, आप एक एक चीज़ पढ़ो उसमें कि क्या एज ग्रुप क्या दिया है, लुक क्या दिया है, वो एग्जैक्ट मेंशन होता है। जो जेन्युइन जो ऑडिशन जो लोग करते हैं ना, वो एग्जैक्ट मेंशन करते हैं कि एज ग्रुप सपोज 22-25 ईयर्स है, हाइट 6 फीट, वेल बिल्ट, रिच लुक, बिजनेसमैन कैरेक्टर, पूरा ब्रीफ देंगे आपको। और अगर आपको लगता है आप इसमें फिट हो, लुक में फिट, तो जाके फायदा। आप बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन वो लुक में फिट नहीं बैठे, तो जाके कोई फायदा। तो जब भी जैसे ऑडिशन में जाने से पहले मैसेज को पढ़ो ढंग से, और जो भी आप पोर्टफोलियो कराओ, शोरील कराओ, तो एक प्रॉपर एक लुक आप डिसाइड करो। आप ये डिसाइड करो कि आप किस तरह के रोल आप कंफर्टेबली कर सकते हो, उस हिसाब से एक लुक मेंटेन करो, उस हिसाब से फोटो खिंचाओ, और उसी इमोशन के साथ, उसी फील के साथ आप अपने वीडियो शोरील आप बनाओ। क्योंकि जो भी आपको बुलाएगा ना आपकी फोटो देख के या वीडियो देख के, उसको उस लुक को माइंड में रख के बुलाएगा। सपोज आप क्लीन शेव में आपने फोटो खिंचवाए और उसी भी लुक में आपके वीडियोज हैं, और उनको सामने चाहिए कुछ दाढ़ी वाला बाबा जी कुछ बनाना, तो वो मतलब नहीं बुलाएगा। या सपोज आपने गाड़ी में लुक में फोटो खिंचवा लिए और उस लुक में आपको बुलाया और आप क्लीन शेव चले, तो नहीं। तो जो लुक में आपने फोटो भेजे हुए हैं, वीडियोस भेजे, उसी लुक में मिलते हैं। जब हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, नाम हो जाता है, लोग जानने लगते हैं, फिर अलग चीज़ है। फिर आप कोई भी लुक मेंटेन करो चलता है, लुक बाद में सपोज क्लीन शेव है तो टाइम रहता है कि ठीक है आप यूज करो गाड़ी में, लेकिन एक दो दिन के काम के एंड में छोटे मोटे काम के वो थोड़ा दिक्कत, लुक मेंटेन करना बहुत जरूरी। फिर जैसे आप पहुंचे ऑडिशन के लिए, तो ऑडिशन के जब जहाँ भी जाएंगे स्टूडियो में बाहर या प्रोडक्शन हाउस में, तो सबसे पहले रिसेप्शन पे या गेट पे एक रजिस्टर लेके एक आदमी बैठा रहता है, वहाँ आपको अपना नाम, एज, हाइट, जो भी डिटेल्स उनको चाहिए वो आपको लिखनी है, किसके रेफरेंस से आए वो आपको वो लिखना है, और वो लिखने के बाद फिर आपको ठीक है आपका नंबर लग गया, आप उनको जाओ जैसा भी वो सीरियल वाइज आपको बुलाएंगे। फिर जैसे स्टूडियो में जब हम अंदर एंटर करते हैं और कैमरे के सामने जब आते हैं, तो पहले क्या है वो एक स्लेट देते हैं, वाइट कलर की एक स्लेट देंगे, और उस स्लेट के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, अपनी हाइट लिखनी है, एज लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, और वो लिख के और आपको कैमरे के सामने 2-4 सेकंड के लिए उसको खड़े होते हैं और उसका एक शॉट वो लेते हैं, 2-4 सेकंड 10 सेकंड डिपेंड करता है कितना उनको जरूरत है। वो शॉट होने के बाद फिर आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि एक नाम, आपका मोबाइल नंबर, प्रोफाइल, ये तो बेसिक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। जैसे ये एक मैं ठीक है उसने बोला एक्शन और आप इंट्रोडक्शन दे रहे, तो एक्शन बोलते ही आपका काम, हाय माय नेम इज दिस 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 एंड माय कॉन्टेक्ट नंबर इज ये और
मेरे प्रोफाइल से। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके अलावा उनको अगर और कुछ आपसे पूछना है, आपने क्या किया है, आपको क्या लैंग्वेजेस आती है, वो सब, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो दो कैमरे के सामने। इसके बाद जो फाइनल जो भी ऑडिशन है, स्क्रिप्ट है, इम्प्रोवाइजेशन है, अब वो डिपेंड करता है। आप उसका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं लेके चल सकते कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, डायलॉग्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या इम्प्रोवाइजेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। वो आपसे बोलेंगे ठीक है यार, एक छोटा सा शॉट है, आपने खाली स्माइल करना है और आप वहां देख के थोड़ा सा स्माइल करें बस, इतना ही। या फिर आप एक काम करो, यहां से यहां तक चल के और कुछ ऐसा कुछ एक्शन करो, कुछ इम्प्रोवाइजेशन आप सिचुएशन दे देंगे। फिर स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करो। आप जैसे ऑडिशन हो गया, ऑडिशन के बाद आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा। आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, कोई आपको कैसा रिस्पांस देगा नहीं होगा कि आपने अच्छा किया है खराब किया है। देखो खुद को आइडिया होता है कि हमने अच्छा किया, तो खुद के अंदर से एक अपने आवाज आती है कि नहीं हमने अच्छा किया। और ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपने ऑडिशन दिया है तो शाम को ही आपको कोई कॉल आ जाएगी काम के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं काम के लिए, हो सकता है आप लुक में फिट नहीं हो, हो सकता है उनके पास आपसे कोई अच्छा ऑप्शन हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिशन दिया और काम नहीं मिला तो आप अच्छे एक्टर नहीं हो। आप 10 जगह 20 जगह 50 जगह ऑडिशन दोगे तब जाकर 2 जगह 4 जगह आपको रिस्पांस मिलेगा। ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। और ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये है कि आप सेलेक्ट नहीं हो। रिजेक्शन का मतलब ये है कि यार आपको बोल दिया कि नहीं यार आप काम के लायक नहीं, बट हो सकता है उनके पास आपसे अच्छे ऑप्शन है और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट हमारा काम है कि हमारे पास ऑडिशन के लिए कॉल आया, हम फिट हैं, हमने जाकर ऑडिशन दिया, ठीक है हमारे लिए कहीं ना कहीं तो काम निकलेगा जब इतना काम यहाँ पे होगा। और मैंने तो आज तक कभी ऑडिशन दिया था, मैंने कभी किसी से पलट के फोन पूछा भी नहीं क्या हुआ, क्योंकि एक चीज मुझे मालूम है कि अगर मेरा कहीं सिलेक्शन होता है, मुझे सेलेक्ट करता तो मेरे को कहना कहीं से भी ढूंढ के भी निकाले, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। मैं कहीं भी होगा ना वो फोन करेंगे, हाँ सर ये बजट है ये काम है, तो अपना काम है ठीक है, हमने ऑडिशन दे दिया, बाकी होना नहीं होना बात की बात, एटलीस्ट हम अपना काम तो करें। तो अभी हम क्या करेंगे, सब जिस जैसे फॉर्मेट मैंने बताया, आप आओ अपना इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ भी एक परफॉर्मेंस 20 सेकेंड 30 सेकेंड जितना आप जैसा आप कर सकते हो आप करो, और जो भी अच्छे ऑडिशन होंगे जो अच्छे लगे मैं उनको अपने हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डाल दूँगा, और खुद हमें पता चल जाए कि हम कहाँ किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, आगे आगे हमें काम करने के लिए क्या और करना है, तो उसके हिसाब से देखेंगे आगे क्या। तो जो भी है आप अपना प्रिपेयर करो, 10 मिनट 15 मिनट जो टाइम Hi friends, मेरा नाम है मनोज सिंह वाघेला, मेरा नंबर है 9824353636, मेरा प्रोफाइल है okay, start, performance start करो। मौसी के सहारे मैं इतना बड़ा हुआ, उस दास उस मौसी
एक्शन। मेरा नाम केपी पांडे है, मेरी उम्र 36 साल है और मेरा नंबर है 751-00-68। माय प्रोफाइल इज शांति। हाँ मर गया, आ जा मुन्ना, आ जा आ जा। और कैसा है ये लो, कैसे जा जा कुछ खा के। क्या यार तुम भी कह 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 लगाया, अरे उसको पैसा दे दिया तो क्या हो गया मुन्ना है अपना, उसको पैसा नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। अरे करता किसके लिए हूँ यार, तुम्हारे लिए करता हूँ, उसके लिए करता हूँ, और किसके लिए करता हूँ। पैसा ही तो दिया यार, काहे में चिल्ला रहे इतना, कह 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 दिन भर लगाया। फिर बात नहीं समझ रहे हो, चलो अच्छा बैठो इधर मैं समझाता हूँ। एक्शन। हाय मेरा नाम है इंद्र प्रकाश मौर्य और मैं लखनऊ से हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 8446198026। मेरा साइट प्रोफाइल है। जब मैं छोटा था ये 5-6 साल का, तो मैं बच्चे लोग के साथ में घूमता था, खेलता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी मुझे कि बेटा चल पढ़ाई कर ले, तुझे बड़ा आदमी बनना है, इन बच्चों के साथ मत खेल। और मुझे घर पे लेके आती थी वो, घर पे मैं आता था मैं वापस खेलने चला जाता था। उसके बाद में मेरे पापा आते थे तो वो मेरा ऐसे कान पकड़ के घर पे लाते थे, घर पे मारते हुए लाते थे, और मेरी मम्मा मेरे पापा को चिल्लाने लगती थी, उनके ऊपर चिल्लाते थे वो। कुछ दिन ऐसे चला, धीरे धीरे टाइम बीतते गए, मैं 17-18 साल का हो गया तो मैंने घर छोड़ दिया। एक्शन। हाय एवरीवन, मैं हूँ मनोज कुमार और मेरी एज है 22, मैं प्रोफेसर। सत्तर मिनट है तुम्हारे पास, शायद ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत मिनट। आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम खेलो या हारो या जीतो, ये 70 मिनट है तुम्हारे पास। एक्शन। हेलो सर, माय नेम इज अमन चैटर्जी, आई एम फ्रॉम कैलकटा, आई एम 30 इयर्स ओल्ड, माय मोबाइल नंबर इज 8013625651, माय प्रोफाइल सर। माँ तू आज मत कुछ मत बोल, बस मुझे बोलने दे। बहुत दिन मैं हर बात सहता गया, हर चीज आपका सुनता गया, क्यों क्यों मैं सुनूं आपका हर बात। बचपन से लेके बड़े तक अपने भाई को हमेशा आदर किया, मान रखा, मैं आपका छोटा बेटा हूं, मेरे को आपने कभी वो जगह दर्जा नहीं दिया। कुछ भी काम होता है, कुछ भी चीज में आप हमेशा बड़े भाई को ही बोलते हो, बट मैं भी आपका बेटा हूं, मानता हूं भाई आज वो मौका पे जहां पे नहीं हूं मैं, बट मैं भी कुछ करना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, और इसलिए माँ मैं आज सुन सुन के थक चुका हूं और मैंने ये सोच लिया कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, और जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा उस दिन मैं घर लौट के आऊंगा। एक्शन। हेलो, माय नेम इज ताशुक अली खान एंड माय कांटेक्ट नंबर इज 9716266447, माय प्रोफाइल साहब। Yeah, stop. आरिफ, फोन को लाउड स्पीकर पर लगा दो, मैं चाहता हूं कि इब्राहिम खान भी मेरी बात सुन ले। मैं इब्राहिम खान अखलाक अहमद खुर्शीद लाला को बचाना नहीं बल्कि मारना चाहता था, और इनफैक्ट अब मुंबई पुलिस मेरा ये काम करेगी आज और अभी। मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एसीपी साहब।
देखिए सर, मैंने कहा ना, इससे मेरा या मेरे मजहब का कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है, जो घर से निकलता है तो उसकी बीवी सोचती है कि जंग पर जा रहा है, पता नहीं लौटे गए नहीं। मैं वो हूं जो कभी दुकान लेता है तो सोचता है कि नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देखकर मेरी दुकान न जला दे। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देखकर शक करता है, और मैं वो भी हूं जो जो दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। भीड़ देखी है ना आपने, उसमें से कोई सा भी एक चेहरा चुन लीजिए, वो हूं मैं। I'm just a stupid common man wanting to clean his house. कहां से जाग गया कॉमन मैन, कहां से जाग गया, क्यों जाग गया, तो तकलीफ हो रही है क्या? ये टेररिस्टों को मारना आम आदमी की जिम्मेदारी है आप लोगों की है? आप लोगों को क्या लगता है ये लोग जो हमें मारते हैं हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे एक कपड़े धोने का साबुन भी एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, पता आपको? गूगल पर सर्च मार के देखिए, 101 मेथड आपको मिलेंगे बॉम्ब बनाने के लिए। ये पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस और ये वो फलाना ढिमका सब लेके बैठे हैं आप लोग। कुछ होता है आपसे, कुछ होता है? एक आदमी गुनहगार है या नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता ये आपके काबिलियत पर सवाल है? एक्शन। मेरा नाम नबीश खान है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9716266447 एंड माय प्रोफाइल आर। तुझे क्या लगा, तुझे क्या लगा कि तू मेरा पीछा करके मेरे पास आ जाएगा? मैंने देख लिया था उस दिन तुझे, और तुझे वो पैकेट कभी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि तू जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाता है। तू मेरे पीछे भाग रहा था ना उस दिन, पता है क्यों? पता है क्योंकि मैंने उस पैकेट को ना किसी और को दे दिया था। मेरे पास तो सिर्फ दिखावा था वो पैकेट। जरूरत से ज्यादा चलाक बनता ना तू, और तू बड़ा इंस्पेक्टर बनता अपने आपको। किस चीज का जवाब दिखाता तू? वर्दी का? ये सर, ये जो सरकार ने तुझे वर्दी दे रखी है ना, सिर्फ तन ढकने के लिए दे रखी है, और ऐसे सरकार की इज्जत हम बचाते हैं। जब इलेक्शन आता है ना तो उनकी इज्जत दांव पर लग जाती है। जरूरत से ज्यादा कभी तुम दोनों होशियार मत बन रहे सामने।